यदि आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव का स्पेस फुल हो चुका है और इस तरह की रेड लाइन शो हो रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सी ड्राइव के स्पेस को क्लीन कर सकते हैं और इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज सती और आप सभी का स्वागत है टैग गुरु पंकज चैनल में। तो चलिए जानते हैं ये सब आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन, डिस्क क्लीनअप। सबसे पहले आपको अपने सी ड्राइव के अननोन डेटा को हटाना है, यानी कि जो फालतू डेटा है आपके कंप्यूटर में जो आपके किसी काम का नहीं है उसे आपको डिलीट करना है। इसके लिए आपको अपने सी ड्राइव का डिस्क क्लीनअप करना होगा। तो इसे आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने पीसी के माई कंप्यूटर में जाना है और माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको सी ड्राइव के डिस्क पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिस्क क्लीनअप का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इन सभी को आपको मार्क करना है और मार्क करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली डिलीट पे क्लिक करना है। इससे आपके पीसी में जितनी भी अननोन फाइल्स हैं जो आपके काम की नहीं है वो डिलीट हो जाएंगी और आपके सी ड्राइव का साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये फाइल्स डिलीट की हमारे सी ड्राइव का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है और यहाँ से इसकी रेड लाइन भी अब गायब हो चुकी है। तो अब मैं आपको अगले तीन स्टेप्स और बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने सी ड्राइव के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, डिलीट अनयूजबल सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी में उन सॉफ्टवेयर्स को डिलीट करना है जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, यानी कि आपने अपने पीसी में जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए हैं और आपको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर का मेरा कोई यूज़ नहीं है, ये वेस्टेज है, तो आपको सिंपली उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है अपने कंप्यूटर से जो आपके काम का नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने पीसी के कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन दिखेगा अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर्स दिख जाएंगे जो भी आपने इंस्टॉल किए हुए हैं और इसके बाद आपको उन सॉफ्टवेयर्स को यहां से डिलीट कर देना है जो अनयूजबल है, यानी कि आपके काम का नहीं है। तो मान लीजिए यहां पे मैं अपने कंप्यूटर से आफ्टर इफेक्ट को अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, ये मेरे अभी किसी काम का नहीं है और ये लगभग 2 से 2.5 GB का स्पेस ले रहा है, तो मैं इसे यहां से अनइंस्टॉल कर देता हूं। तो देखिए अभी अनइंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी से। तो इस तरह से आपको भी अपने पीसी से अनयूजबल सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देना है। तो इस तरह से भी आप अपने पीसी में सी ड्राइव के स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री, डिलीट कैच फाइल। अब मैं जो यहाँ पे स्टेप बताने वाला हूँ इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के सारे कैच फाइल को डिलीट कर सकते हैं जो आपके सी ड्राइव का स्पेस ले रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में रन कमांड को ओपन करना है। इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है रन कमांड और आप विंडो प्लस आर की प्रेस करके भी रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। रन कमांड को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प और इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको अपने कंप्यूटर की टेम्पोररी फाइल्स शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इन सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है अपने पीसी से। इनको डिलीट करने से आपके पीसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा। तो आपको इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको फिर से विंडो प्लस आर की प्रेस करके रन कमांड को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पर टाइप करना है परसेंट TEMP टेम्प परसेंट और एंटर प्रेस करना है और फिर से आपको इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है और जो फाइल्स डिलीट ना हो उसे आपको स्किप कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितनी भी टेम्पोररी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। स्टेप नंबर फोर, स्कैन योर पीसी। अब अगला स्टेप जो है वो है पीसी स्कैन का, यानी कि आपको अपने पीसी को स्कैन करना होगा बिना किसी एंटीवायरस के। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। इसके लिए आपको नीचे सर्च करना है CMD। तो जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसे रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसके बाद आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का विंडोज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है /scannow /scannow और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसे 100% तक कंप्लीट होने देना है। इसे कंप्लीट होने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने सी ड्राइव के स्पेस को इनक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में,
थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।